मैंने देखो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बताई हैं, सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था पहली क्लास में कि सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होता है, और उसके बाद सोल्यूशन में फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, सोल्यूशन कैसे रिप्रेजेंट होता है, केमिकल चेंज क्या क्या होते हैं। फिर हमने मोलिटी, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन वगैरह डिस्कस की हैं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वेट, कंसेंट्रेशन टर्म, तो नंबर ऑफ थिंग्स आई हैड कवर्ड फॉर द सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशन के लिए जो नेसेसरी चीजें थी लगभग मैंने बताई हैं। अब मेरे को बताना पड़ेगा कि क्या क्या अंदर होने वाला है और किस लिए हम सॉल्यूशन को पढ़ रहे हैं और व्हाट इज जस्ट गोइंग टू हैपन इन द सॉल्यूशन पार्ट। तो आपको जो क्वेश्चन अभी तक जो मैंने बताए थे वो तो चीजें आप ऐसी थी जो क्वेश्चंस में आपको नीड आने वाली हैं और जो बार बार आपके टर्म्स में आने वाली है, तो मैंने इसको उसको पहले कवर कर दिया था इसलिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेशर की, प्रेशर या वेपर प्रेशर की बात कर लेते हैं एक बार। पर आपको मैं बताता हूं कि ये वेपर प्रेशर क्यों यूज होता है और कैसे आपको पता चले कि कब बॉइलिंग आएगी, कब बॉइलिंग नहीं आएगी और क्यों बॉइलिंग होती है। तो कैन एनी वन टेल कि आपका जो लिक्विड है वो एज इट इज अपने सरफेस पे मेंटेन्ड है। मैंने आपकी बॉडी में भी बताया था कि जो ब्लड होती है, आप ब्लीडिंग होती है, वो जो ब्लड्स होते हैं उनका सर्कुलेशन होता रहता है बॉडी से बाहर, वो नहीं निकलता। मतलब उसका रीजन क्या है कि वो बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर नहीं डाल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है। मैंने आपको थोड़ी बहुत चीजें बताई थी लास्ट क्लास से, मैंने ये भी बताया था एक बार इनफैक्ट इन द फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास कि आपके आपके पास जो जो भी आपके पास लिक्विड होता है वो बॉइलिंग स्टेट में कब जाता है या बॉइलिंग पॉइंट क्या कब होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन वो होती है जब लिक्विड के अंदर जो वेपर प्रेशर है या जो लिक्विड के अंदर का जो प्रेशर है अगर वो एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। मेरी बात समझ में आई या नहीं? यस सर, अच्छा, मैं आपको एक बार कवर यस करने की सर, कोशिश करता हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। मुस्कान प्लीज ऑन योर वीडियो एंड एवरीवन प्लीज ऑन योर वीडियो। सर वीडियो ऑन कर रखा है, पीसी में ना ऑन नहीं हो रखा बस। मेरे पास मान लो ये कोई लिक्विड की कोई पार्ट है, H2O की कोई एक बूंद है, ठीक है, मान लो, या कोई सब्सटेंस है हमारे पास सॉल्यूट का जो लिक्विड के अंदर है। अब लिक्विड के अंदर कोई सब्सटेंस अगर होगा तो इस सब्सटेंस के ऊपर क्या होता है, प्रेशर लगता है या नहीं लगता है? यस सर, हाँ, बट इसके अंदर पहली बात तो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस होते हैं, तो जो अंदर होता है इसके बीच में ये फोर्सेस लगते हैं। कोई लिक्विड पार्ट अगर, कोई सॉल्यूट पार्ट अगर अंदर है, सब्सटेंस अंदर है जिसके पास, यहाँ पर कुछ फोर्सेस चारों डायरेक्शन में लग रहे होते हैं जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं और इसको एक जगह पे बैलेंस कर रहे होते हैं, राइट। कुछ देर बाद जब ये पार्टिकल या लिक्विड पार्टिकल ऊपर की सरफेस की तरफ जाता है, मान लो अभी तो ये सेंटर पे है या फिर कहीं भी बीच में है, तो अभी जो भी इस पे फोर्स लग रहा है वो इसको कैंसिल कर रहा है। मतलब जो लिक्विड के अंदर हमारे पास जो भी लिक्विड है, ये लिक्विड है उसके अंदर कोई भी सोल्यूट पार्टिकल है तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो, अभी जो सोल्यूट पार्टिकल है इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इसको कैंसिल कर रहा है और वो एज इट इज सेंटर पे मेंटेन्ड है, राइट। कुछ देर बाद क्या होता है, मान लो ये पार्टिकल ऊपर की तरफ गया और क्योंकि हमने इसको हीट वगैरह दी या किसी भी तरीके से, अगर ये ऊपर पार्टिकल मौजूद है, या ऊपर वाले पार्टिकल के बारे में ही हम बात कर लेते हैं, तो एक बात समझ में नहीं आती कि ये जो सब्सटेंस है या जो सोल्यूट पार्टिकल है, जो जिसका भी हम कभी भी बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं, वो बॉइलिंग पॉइंट क्यों सरफेस पे डिपेंड करता है या क्या होता है सरफेस पे ऐसा कि वो सरफेस वाला मॉलिक्यूल ही छोड़ के ऊपर जाता है। अब जैसे मान लो ये वाला लिक्विड पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो अगर यहां पर अवेलेबल होता, इस पे यहां पर तो फोर्स लग जाता है, लेकिन ऊपर से फोर्स अभी यहां पर बाहर की तरफ कोई पार्टिकल मौजूद नहीं है तो यहां पर नहीं लगता है।
मेरी बात समझ में आई या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, उसी तरह से जब हम प्रेशर को डिस्कस करते हैं तो प्रेशर में भी बेटा प्रेशर क्या होता है, प्रेशर तो अपोजिट में लगता है। मान लो हमारे पास कोई कोई पर्सन या कोई चीज यहाँ पर मौजूद है जिस पे प्रेशर लिक्विड की वजह से कहीं ऐसे लगेगा, लगेगा ना? Yes, sir. अब यहां पर भी ऐसे ही लगेगा, अब मान लो कि कोई लिक्विड ऐसे अवेलेबल है, इसके अंदर मान लो ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ड्रॉप्ड है पूरा, ये वाला थोड़ा सा भरा, मतलब इस पार्टिकल के या इस सब्सटेंस के थोड़ा ऊपर है लिक्विड का पार्ट, और कोई एक और लिक्विड का कंटेनर है जिसके अंदर और लिक्विड भरा हुआ है, वो लिक्विड केवल इतना है यहां तक, कुछ यहां पर अवेलेबल है, इस पे प्रेशर यहां पर लग रहा है, लेकिन इधर इसके पास मॉलिक्यूल्स नहीं है, केवल एटमॉस्फेयर है प्रेशर लगाने के लिए, राइट? मेरी बात समझ में आई? केवल एटमॉस्फेयर है जो इसके प्रेशर को बैलेंस कर सकता है, लेकिन कोई मॉलिक्यूल या कोई भी वाटर पार्ट अवेलेबल नहीं है ऊपर की तरफ। आप अगर देख पा रहे हो तो ये जो डॉटेड पोजिशन है उसमें केवल एटमॉस्फेयर है जो इसको अभी बैलेंस करके रखा हुआ है। ये जाना तो ऊपर की तरफ चाहता है क्योंकि अंदर से प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर और ये ऊपर जाना चाहता है, लेकिन अब प्रेशर वगैरह को मेंटेन करने के लिए एटम जो एटमॉस्फेयर है वो भी अपना प्रेशर लगा रहा है। ऐसी कंडीशन जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ये नीचे वाला प्रेशर हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूल अपने सरफेस को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा होगा या नहीं? अरे यार, प्रेशर एटमॉस्फेयर वाला ही इसको बैलेंस करके रख रहा है सरफेस पे, क्योंकि नीचे से प्रेशर लगातार लगाया जा रहा है। अब जैसे ही एटमॉस्फेयर का प्रेशर इसके बराबर हो जाएगा या थोड़ा सा कम हो जाएगा इससे, वैसे ही अंदर वाला प्रेशर हावी हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल अपने सरफेस को छोड़ जाएगा। मेरी बात सही है? Yes, sir. या ये कह सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जैसे ही कम हुई या कम से कम इक्वल में आई, वैसे ही नीचे वाला प्रेशर हावी हो जाएगा और तुरंत ये मॉलिक्यूल अपने सरफेस को छोड़ने के लिए रेडी हो जाएगा। जब तक प्रेशर की वैल्यू नहीं इक्वल हो जाती तब तक नेट फोर्स जीरो रहेगा, और अंदर यहां पर नेट फोर्स जीरो है, यहां भी नेट फोर्स जीरो है, यहां भी नेट फोर्स जीरो है, लेकिन जैसे ही नेट फोर्स की वैल्यू नीचे की तरफ थोड़ी सी डिक्रीज करके ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही ये सरफेस को छोड़ करके ऊपर पहुंच जाएगा, राइट? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? नो सर। अब देखो बेटा, नीचे से जो प्रेशर लग रहा है इस वाले प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर, और जो ऊपर वाले प्रेशर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, या फिर जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में यह जो लिक्विड है वेपराइज हो जाता है। मेरी बात समझ में आई या नहीं? वेपर प्रेशर क्या होता है? जो प्रेशर अंदर से इस पार्टिकल पे लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने इसको बैलेंस करके रखा हुआ है। जैसे ही वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हुई, मतलब नीचे वाले से प्रेशर जैसे ही ज्यादा हुआ, वैसे ही सरफेस को छोड़ जाएगा, जाएगा या नहीं? यस सर। हाँ यस सर। अच्छा, और अगर वीपी की वैल्यू अगर एटीएम प्रेशर के लिए या एपी से ज्यादा हुई तो ये अपने एटमॉस्फेरिक कंडीशन को छोड़ जाएगा, या अपने जो भी सरफेस है उस सरफेस को ये छोड़ जाएगा। तो इसको मेंटेन करके दो प्रेशर
रखते हैं, और दोनों प्रेशर के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। मेरे पास एक लेक्चर रिकॉर्डेड है और मैंने पहले इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ाया हुआ है, कवर किया था उसमें एनिमेशन के साथ भी। तो आई विल सेंड यू द लेक्चर फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द वेपर प्रेशर। तो वो कहीं और का है बट दैट इज ऑल्सो गुड इन दैट, तो आई विल सेंड यू दैट। ओके यस सर, ठीक है। इफ यहाँ पर एक पॉइंट है, इफ द वेपर प्रेशर या इफ द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, इफ द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर देन द स्टेट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड द बॉइलिंग, इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर then the state of liquid is called boiling, right? Boiling. Yes, sir. Normal boiling point. Normal boiling point is equal to 1 atmospheric pressure, is equal to 1 atmospheric pressure, but boiling point is dependent upon boiling point is dependent upon the external pressure, अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है? Yes, sir. अच्छा, boiling point को बढ़ाने के लिए कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? Can anyone explain any factor inside the liquid or inside the solution? हांजी? Temperature, pressure. Temperature? नहीं, temperature तो boiling point का ही function है बेटा। मैं पूछ रहा हूँ कि boiling point को solution की कौन सी condition increase कर सकती है, कौन सी condition decrease कर सकती है? बॉइलिंग पॉइंट किन किन बातों पे डिपेंड करता है? नेचर, मैं बताता हूं। पहली बात होती है अट्रैक्शन फोर्स। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारे मिक्स्ड हैं, या फिर जो भी चीजें हमारे पास मिक्सअप हैं, या जो भी चीजें हमारे पास हैं और उनको हम बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर उनके पास अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो उनको तोड़ करके वेपर में लेके जाना उतना ही मुश्किल होगा। Am I right or not? Yes, sir. मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? Yes, sir, आ गई। तो वेपर में लेके जाना या वेपर में उनको पहुंचाना उतना ही मुश्किल होगा जितना ज्यादा उसके अंदर फोर्स होगा। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो बॉइलिंग, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, और इसकी वोलेटिलिटी कम होगी इसीलिए होगा लेस वोलेटाइल। या फिर लेस वोलेटाइल या डाउनवर्ड जाएगी इसकी वोलेटिलिटी। मतलब हमने अभी क्या क्या चीजें डिस्कस करी है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको बताना चाहा है, और उसके लिए हमने वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर को डिस्कस किया है, और द रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको नहीं बताई है,
यहाँ पर इफ द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर देन द स्टेट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड अ बॉइलिंग. नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बट बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंडेंट अपॉन द एक्सटर्नल प्रेशर. और अट्रैक्शन फोर्स पे भी बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है. ठीक है. और एक फैक्टर होता है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन. अच्छा, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन को पहले लिख लेना क्या होता है, क्या होती है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो द हीट रिक्वायर्ड heat required to change the one mole of liquid into vapor is called molar heat of vaporization. अगर आपके पास अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो नॉर्मल मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि एक मोल को लिक्विड से गैसियस में या लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी. मेरी बात समझ में आई या नहीं? यानी टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा. अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, तो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू भी ज्यादा होगी. मेरी बात समझ में आई या नहीं? Yes, sir. Okay, I'm just showing you the boiling point. Actually, मैं तुम्हें एक बार show कर देता हूँ कि vapor pressure को कैसे मैं दिखाता हूँ एक बार video. बेटा होता क्या है कि हमारे पास जो liquid available है, ठीक है, जब इस पे बाहर की तरफ से जो गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ओजोन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे बहुत सारी गैसेस हैं, जब ये सारी गैसें आ करके इनके पार्टिकल इस पार्टिकुलर लिक्विड के साथ टकरा रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इस पे आके वो कोलाइड करते हैं बार बार. ठीक है. अब कोलाइड करने की वजह से क्या होता है, ये लिक्विड भी ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, राइट? Yes, sir. तो ये लिक्विड जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है उस फोर्स को बोलते हैं वेपर प्रेशर, मतलब वेपर के अगेंस्ट लगाता है या जो एयर के अगेंस्ट लगाता है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर. जो ऊपर गैसेस से लगता होता है या जो ऊपर के पार्ट से लग रहा होता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब अगर एक स्टेट की हम बात करें तो ऐसी कंडीशन में यहां पर हमारे पास ऊपर से लग रहा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नीचे से लग रहा होता है वेपर प्रेशर. ये है हमारा वीपी और ये है हमारा एपी. जैसे ही वीपी की वैल्यू एपी से ज्यादा होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, वैसे ही कंडीशन ऑफ बॉइलिंग आ जाती है और इस एक बॉइलिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर को रीच करता है उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट. बोलते हैं या नहीं? यस सर, बोलते हैं. यस सर. तो जैसे ही टेम्परेचर को रीच करता है उस टेम्परेचर तक पहुंचता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट. और बॉइलिंग पॉइंट मतलब, और जैसे ही वीपी और वीपी एपी से ज्यादा हो जाता है ये जो पार्टिकल होते हैं ये सरफेस छोड़ करके भाग जाते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ निकल जाते हैं. मतलब अगर वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हुई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो इसके ऊपर कोई फिर प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, ये सीधे ऊपर की तरफ निकल के भाग जाएंगे. और ये होता कब है, वीपी बढ़ता कब है, जब हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे होते हैं या टेम्परेचर दे रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है पार्टिकल्स मूव करते हैं सरफेस की तरफ, छोटे पार्टिकल्स
और इसी की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इस वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाती है, राइट? कोई दिक्कत? नो सर। और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, वेपर प्रेशर एक बार रीच कर जाएगा, एक बार ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएगा जब ये इसको सामने से रोकने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर इससे लो हो जाएगा, यानी वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और ये कंडीशन वैसी होगी जब ये वेपराइज्ड हो जाएगा, राइट? मतलब वेपराइजेशन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं? यस सर। मतलब ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी हमारे पास अगर हमें एक कंडीशन ऐसी दी जाए, ये तो हमारे वेपर प्रेशर की कंडीशन है और इसको वेपर प्रेशर बोलते हैं, मैंने वेपर प्रेशर के बारे में सब कुछ आपको बता दिया। अब कुछ फैक्टर्स हैं वेपराइजेशन के और वेपर प्रेशर के। पहले मैं आपको बताता हूं कि वेपर प्रेशर किस बात पर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास मान लो इस लिक्विड के अंदर अट्रैक्शन ज्यादा रहा तो क्या होगा, ये जो डाउनवर्ड पार्टिकल होंगे या इसके जो अट्रैक्टिव पार्टिकल होंगे उसको डाउनवर्ड की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे, मतलब अपने में बांध के रखेंगे। तो ऑब्वियसली जब अपने में बांध के रखेंगे तो ये बाहर की तरफ प्रेशर नहीं डाल पाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी इसकी नहीं बढ़ पाएगी और बाहर की तरफ प्रेशर कम डाल पाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू इसकी जो ऊपर डाल रहा था ये लिक्विड वो कम हो जाएगा, क्योंकि अगर इसके पास अट्रैक्शन बढ़ेगा तो अपने आप में सिकुड़ने की कोशिश करेगा ऑब्वियसली, और ये बाहर की तरफ प्रेशर डालना कम कर देगा और बाहर की तरफ जो डालने वाला प्रेशर है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और ऊपर वाला प्रेशर अभी ऑलरेडी हावी है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऊपर से ऑलरेडी लग रहा है, साथ साथ सिकुड़ना भी स्टार्ट हो गया है, तो अभी अगर मैं वेपर प्रेशर को मेंटेन करना चाहूं, यानी मैं बॉइलिंग की कंडीशन को लाना चाहूं, यानी कि वेपर प्रेशर को मैं ज्यादा करना चाहूं एपी से, क्योंकि वीपी ऑलरेडी मेरा डिक्रीज कर चुका है, क्योंकि हमारे पास जो एक हमारे पास जो सोल्यूशन है या जो हमारे पास इसके अंदर कंडीशन है वो कैसी है, वो अगर अट्रैक्टिव है, अगर उसके मिक्सचर अट्रैक्टिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो छोड़ नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके पास सिकुड़न ज्यादा है, यानी कि एक दूसरे में एब्जॉर्ब होने या एक दूसरे में एक दूसरे के साथ खुद ही अट्रैक्शन रखने की एबिलिटी ज्यादा है, तो ओवरऑल वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो चुकी है। और अगर मैं टेम्परेचर को रीच करूंगा, यानी मैं टेम्परेचर को अभी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा या कम बढ़ाना पड़ेगा अगर मैं वेपर प्रेशर को एपी से ज्यादा रखने जाना चाहता हूँ तो? ज्यादा करना पड़ेगा बेटा, टेम्परेचर को कुछ ज्यादा ही करना पड़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा, क्योंकि बॉन्ड टूटेंगे, थोड़ा काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद वेपर प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करती रहनी चाहिए यहाँ पे। इसीलिए जब कोई पार्टिकल ऐसा आ जाता है जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और इस वेपर प्रेशर को रीच करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मतलब बॉइलिंग की कंडीशन आते आते आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी अभी की कंडीशन में, अगर इसके पास जो सोल्यूशन जो में जो सॉल्वेंट और सोल्यूट है अगर उनमें अट्रैक्टिव नेचर से हुआ तो। मेरी बात समझ में आई या नहीं? और इसकी वोलेटिलिटी कम हो जाएगी, मतलब वोलेटिलिटी का मतलब होता है वोलेटाइल होना, मतलब वेपर में जाने की कंडीशन में जाना, मतलब वोलेटिलिटी कम हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई या नहीं? यस सर। अगर अट्रैक्टिव होगा तो कितनी कितनी चीजें हो गई हैं ये ध्यान लो, अगर अट्रैक्टिव होगा सोल्यूशन में सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो यहां पर क्या क्या होगा आपको दिखा देता हूं, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वोलेटिलिटी कम हो जाएगी, और एपी की वैल्यू वीपी में लाने के लिए, मतलब वीपी की वैल्यू एपी से बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा मदद करनी पड़ेगी। तो ये तीन पॉइंट शायद आपको समझ में आए होंगे। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। अच्छा, एक होता है वेपराइजेशन, वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, वेपराइज होना, मतलब लिक्विड से वेपर की स्टेट में जाना ही वेपराइजेशन होता है। वेपर प्रेशर जब ज्यादा हो जाता है एपी से तो उसी समय बॉइलिंग हो जाती है, यानी कि वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। वेपराइजेशन कब होता है आपको मैं बता दूं, बॉइलिंग पॉइंट और वेपराइजेशन में एक अंतर होता है, बॉइलिंग पॉइंट और वेपराइजेशन में एक अंतर होता है। जो बॉइलिंग पॉइंट आपका होता है उस वो तो मान लो वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है, ये तो एक फिक्स्ड वैल्यू है, इसके ऊपर वेपराइज होना स्टार्ट रहता है, यानी कि
वेपोराइज वाटर होता रहता है, उसके एक एक पार्टिकल धीरे धीरे वेपोराइज होते रहते हैं। लेकिन वेपोराइजेशन वो है, आप देखोगे कि आपका जो लिक्विड है वो वेपर, ये बॉइलिंग पॉइंट आता है उसके पहले ही, मतलब आप जब चाय बना रहे होते हो तो आप देखते हो कि आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गए, 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गए, आप में थोड़ा बहुत उसमें वेपर बनने लग जाती है, होता है ना? यस सर होता है। आपको क्या लगता है कि वेपर केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनती है वाटर की, या जो आप चाय बनाते हो या जब भी आप वाटर गर्म कर रहे होते हो या सब्जी बनाते हो, तो क्या वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही केवल जाके वेपराइज होता है बस? नो सर, नहीं, पहले भी होता है। पहले भी होता है, और वो पहले क्यों होता है? क्योंकि इसके पास जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल जब ऊपर कर जा रहे होंगे, आपको मैंने लास्ट क्लास में शायद ये बात बताई थी, जब पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहे होंगे तो ऊपर की तरफ मतलब अटेन कर रहे होंगे एनर्जी को ज्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जैसे ही ज्यादा हो जाती है उतनी ज्यादा कि इसके पास फोर्स ज्यादा हो जाए, मतलब अपने आप को छोड़ने का, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब जो पार्टिकल्स हैं, अगर पार्टिकल में छोड़ने का नेचर हो जाए, वो अपने आप अपने अपने सरफेस को छोड़ने का नेचर हो जाए, इतना पार्टिकुलर फोर्स या इतना पार्टिकुलर सरफेस फोर्स अगर आ जाए उसके ऊपर, तो वो तुरंत अपनी बॉडी को या तुरंत अपने सरफेस को छोड़ जाता है, राइट? यस सर। यही होता है वेपराइजेशन, और वेपराइजेशन की जो कंडीशन होती है वो कंडीशन कब आती है? बॉइलिंग पॉइंट के पहले ही आ जाती है। वेपराइजेशन तो बॉइलिंग पॉइंट के थोड़ा पहले ही, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनके पास पार्टिकुलर उतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो अपने सरफेस को छोड़कर ऊपर निकल जाएं। कुछ मॉलिक्यूल बचेंगे लेकिन ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास उतनी एनर्जी आ जाएगी, जो ज्यादातर नहीं मतलब छोटे ही अमाउंट में होते हैं, लेकिन उनके पास एनर्जी आ जाएगी इतनी जो कि वो सरफेस को छोड़ने लग जाएं। जो सरफेस से मॉलिक्यूल है उनमें ज्यादातर ऐसे पार्टिकल होंगे, और जो नीचे वाले मॉलिक्यूल है वो धीरे धीरे वेपराइज होंगे जब उनके पास, या जब उनके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अटेन कर जाएगा। तो वेपराइजेशन क्या होता है? वेपराइजेशन का लिक्विड से गैसियस में जाना, और ये लिक्विड से गैसियस या लिक्विड से वेपर में जाना कोई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पार्टिकुलर वैल्यू फिक्स नहीं है, वो वैल्यू पहले भी आ सकती है, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उतनी अटेन कर जाएगी तुरंत ही वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब वेपराइजेशन कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है, उस वीडियो में देखना आपको बताया गया है। एक होता है सरफेस एरिया, एक होता है टेम्परेचर, और एक होता है अट्रैक्शन फोर्स। सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा, आपका कड़ाहा ज्यादा बड़ा होगा, या फिर आपके पास जो बाउल है वो ज्यादा बड़ा होगा, तो ज्यादा वेपराइजेशन होगा, क्योंकि हर एक पार्ट से वेपराइजेशन होता रहेगा, इसलिए ज्यादा वेपराइजेशन होगा यहाँ पर। और अगर आप एक ग्लास में गर्म कर रहे हो तो यहाँ पर वेपराइजेशन, बड़ा सा ग्लास ले लो, यहाँ पर गर्म हो जाएगा, वेपराइजेशन बहुत कम होगा, ठीक है? होगा तो इतने से ही होगा, राइट? तो आप वेपराइजेशन को बचा सकते, अगर बचाना है तो आपको सरफेस एरिया को घटाना पड़ेगा। दूसरी बात, टेम्परेचर को आपको इतना रीच नहीं करवाना है, टेम्परेचर को आपको लो रखना है। अगर आप एक बार 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच चुके हो तो आप ट्राई करो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही घूमते रहो, धीरे धीरे वेपराइज होता रहे। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपराइजेशन की स्टेट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी वेपराइजेशन बढ़ता जाएगा, राइट? तीसरा पॉइंट है अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स जैसे जैसे इंक्रीज, अट्रैक्शन फोर्स अगर कम होगा, जो बॉन्ड हमारे बीच में है सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच के जो बॉन्ड है, अगर वो बॉन्ड कम होगा, यानी कि उनके बीच का अगर अट्रैक्शन कम होगा, तो वहां पर वेपराइजेशन ज्यादा होगा। मेरी बात ये तो मैंने पहले ही बता दी, समझ में आई या नहीं आई? यस सर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सरफेस एरिया, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, एंड आल्सो अबाउट द अट्रैक्शन फोर्स एंड पार्शियल फोर्स, और उसके साथ साथ वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू सी इट वेरी केयरफुली, एंड स्टार्ट द राउट लॉ इन द नेक्स्ट क्लास, ओके? यस सर। You can leave that.